सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू एडमिशन द ओसीएम सेंटर। ओके, जैसे कि आप सबको पता है हमारा फर्स्ट मेरिट लिस्ट लग चुका है, देन सेकंड मेरिट लिस्ट भी लग चुका है। बहुत बच्चों के इसमें एडमिशन हो चुके हैं, लेकिन बहुत बच्चों के इसमें एडमिशन नहीं हुए। ओके, जिनका एडमिशन हो गया वो बहुत लकी है, ओके कांग्रेचुलेशन आप सबको। देन थर्ड लिस्ट की बात करते हैं, सॉरी सेकंड लिस्ट से कुछ बच्चों के नाम नहीं लगे है, देन कुछ साइड होने की जरूरत नहीं है। ओके, उनके थर्ड लिस्ट में नाम आ जाएगा उनके कॉलेज कट ऑफ के हिसाब से। ओके, तो जो सेकंड मेरिट लिस्ट का जिनका एडमिशन हो चुका है तो उन्हें क्या करना है, मींस कॉलेज की वेबसाइट पे अगर एडमिशन लेना है। ओके, ऑलरेडी उन्हें मेल भी आ गया होगा, मैसेज भी आ गया होगा कि कैसे एडमिशन का प्रोसेस करने का, मींस पेमेंट का प्रोसेस कैसे करने का। वो कॉलेज वाले सीधे सीधे पेमेंट उसे बता देते, तो उसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, फिर उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो आप थर्ड के लिए वेट कीजिए। देन अगर आपने पहले ही कुछ फॉर्म में प्रॉब्लम की तो प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको कैसे तो करके सुलझा कर, ओके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप आगे बढ़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ जाने के बाद आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। ओके, इधर तो था। देन जो सेकंड मेरिट लिस्ट का जो मीन्स जो पेमेंट का प्रोसेस है वो रहेगा 17th तक, मीन्स 17th ऑफ अगस्त तक। ओके, देन उसके बाद उन्हें वो प्रोसेस करना है, मीन्स आज में एडमिशन नहीं मिलेगा उस कॉलेज में, उसका नाम कैंसिल हो जाएगा। बिकॉज अप टू 17 के 3 बजे तक उनका पेमेंट लास्ट है, मीन्स उसका डेट लास्ट है। ओके, फटाफट जाके एडमिशन ले लीजिए, बाद में कैंसिल नहीं होगा। ओके, ये होगा पॉइंट। देन नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों यूनिवर्सिटी का। दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशन फॉर्म के उनका उनके एप्लीकेशन का डेट एक्सटेंड कर दिया, मीन्स 7th ऑफ अगस्त से लेकर 14th ऑफ अगस्त तक का उन्होंने अपना टाइम पीरियड रखा है। ओके, ये सब तो आपको मालूम है। ओके, अब तो 14 ऑफ अगस्त आने वाला है, मीन उनका भी फॉर्म जल्दी जल्दी खत्म बंद होने वाला है। दोस्तों अगर आपने उसमें कुछ मिस्टेक की या फिर उसका कुछ गड़बड़ की है या फिर आपको कुछ सॉल्व करना है उसके वहाँ की प्रॉब्लम, तो अभी की अभी जल्दी जल्दी कर दीजिए दोस्तों, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। 14th ऑफ अगस्त आ चुका है, फिर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी दोस्तों, ये बात ध्यान में रखिए। ओके, ये बात ध्यान में रखिए, वो आप आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने के बाद कुछ कॉलेजों के दोस्तों एडमिशन फॉर्म अभी चालू हो, आपको वेबसाइट पे जाके हर एक देखना पड़ेगा कि कौन सा कॉलेज आपके नज़दीक है, कौन सा कॉलेज को आप एडमिशन लेना चाहते हो। ओके, उसके वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे डाल दीजिए कोई भी XYZ कॉलेज ऑफिशियल वेबसाइट, XYZ कॉलेज ऑफिशियल वेबसाइट डाल दीजिए। ओके, उनके कॉलेज का वेबसाइट आपको फर्स्ट नंबर पर दिख जाएगा, ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, खुद का खुद कर लीजिए। ओके, उनके वेबसाइट पे जाकर थोड़ा सर्च कीजिए, थोड़ा देखिए आगे पीछे घूमिए कि इधर FY BCOM या फिर FY फर्स्ट ईयर का एडमिशन फॉर्म चालू है क्या, FY फर्स्ट ईयर एडमिशन एलिजिबिलिटी फॉर्म ओपन है क्या। ओके, आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, थोड़ा घूमिए, टाइम पास मत कीजिए दोस्तों। ओके, तो जाके आपका अच्छा एडमिशन हो सकता है। देन उसके बाद जो आफ्टर थर्ड मेरिट लिस्ट, मीन्स आफ्टर थर्ड मेरिट लिस्ट में अगर नाम नहीं लग रहा है तो फिर आपका मीन्स आपको कॉलेज सर्च करने पड़ेगी, वहाँ पर जाकर आपको पूछना पड़ेगा कि भाई मुझे एडमिशन चाहिए, मेरे को दे दे, मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी में तेरे कॉलेज का नाम डाला है, मीन्स आपके कॉलेज का मैंने नाम डाला हुआ है, तो मुझे आपके कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो मुझे मैंने आपके कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा हुआ है, तो मैं क्या करूँ, तो आपके कॉलेज में मुझे हेल्प कर दीजिए, मुझे एडमिशन दे दीजिए। ओके, तो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस बात का मैं ध्यान दीजिए कि आप कुछ बड़े कॉलेज में मत जाइए, फॉर एग्जाम्पल आपके परसेंटेज एवरेज है परसेंटेज, और आप जा रहे हो मिठी भाई ठाकुर जैसे बड़े बड़े कॉलेज में जा रहे हो एडमिशन मांगने, वो लोग जरा भी नहीं देंगे दोस्तों। ओके, मीन्स एक एवरेज कॉलेज में जाइए, बी ग्रेड बी प्लस ग्रेड ऐसे कॉलेज में जाइए तो आप वहाँ पर आपको सीट मिल सकते हैं। देन सेकेंड ऑप्शन 9th कॉलेजेस में जाइए, वहाँ पर भी आपको सीट मिल सकती है। 9th कॉलेजेस मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि 9th कॉलेजेस कोई मतलब ऐसे एकदम आधी रात के कॉलेज नहीं होते, शाम के 5-6 बजे शुरू हो जाते हैं, देन खत्म होते हैं 9 बजे, 9 बजे उनका लास्ट होता है हर एक 9th कॉलेजेस का, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, अब एक और बात का ध्यान रखिए, जो जिस बच्चे ने मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म 7th ऑफ अगस्त से लेकर 14th ऑफ अगस्त के बीच में भरा है, मैं सेकेंड एक्सटेंडेड डेट के अंदर भरा हुआ है, तो उसका नाम उसका मेरिट लिस्ट में नाम थर्ड लिस्ट के बाद आएगा। ये यूनिवर्सिटी में उसके उनके सर्कुलर में एकदम सही सही बोला है, अगर फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा है मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ डेट एक्सटेंडेड ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी फॉर्म। ओके, आप वो जाकर देख सकते हो, वो वीडियो पूरे देखिए, उसके एंड में मैंने आपको एकदम क्लियर बताया हुआ है कि थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद ही उनका नाम आएगा जिन्होंने 7 से लेकर 14 अगस्त अपने मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म 100% कम्प्लीट किया है। ओके, ये थी इन्फॉर्मेशन। और फिर देन मैंने आपको बता दिया कि थर्ड मेरिट लिस्ट के बारे में कौन सा सर्च करने का नहीं मिल रहा है फिर भी, तो देन अगर आप यूनिवर्सिटी में नाम डाल रहे हो 17th और 14th बीच में, तो ऐसे कॉलेज के नाम डालिए जहाँ पर सीट अवेलेबल हो, मीन्स एकदम हाई फाई कॉलेज, एकदम बड़े कॉलेज मत डाल दीजिए, भले परसेंट थोड़े अच्छे हो आपके, बैड लकीली आप शायद पहले फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, इस कारण आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो मीन्स एक एवरेज कॉलेज डालिए जहाँ पर आपके नेम और कट ऑफ के हिसाब से नाम आ सके। ओके, बाकी आपको इधर एनालाइज करना है कट ऑफ का, कट ऑफ का मेरिट लिस्ट का, तो आप कॉलेज के उसी कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर लास्ट ईयर के मेरिट लिस्ट चेक कीजिए, लास्ट ईयर कट ऑफ चेक कीजिए अपने कोर्स के हिसाब से, तो वहाँ पर आपको अंदाजा आ जाएगा कि ये कॉलेज का इतना कट ऑफ जा सकता है।
तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट लग रहा है, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको तकलीफ हो रही है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, आपका भाई आपको जरूर रिप्लाई दे देगा। ओके तो आज के लिए इतना रहेगा, थैंक यू सो मच दोस्तों। तो अगर चैनल पर नए आए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ओके आपका बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। ओके अगर ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस, ऐसे ही एजुकेशन अपडेट और ऐसी कॉमर्स रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ओके थैंक यू।